हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो मैं हाइपरलिंक पर बनाने जा रही हूँ, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का क्या यूज़ होता है। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि आप अपनी दो फाइल्स को कनेक्ट करते हैं। आई सी हाइपरलिंक हम काफ़ी तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट हाइपरलिंक जैसे हम लगाते हैं। हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स हैं, जिसको भी आपने कनेक्ट करना है इस फाइल से, आप उस पर क्लिक करोगे और ओके प्रेस कर दोगे। आप देखोगे ये होता है हमारा डायरेक्ट हाइपरलिंक। आपके पास एक लिंक आ जाएगा। इस लिंक को ओपन करने के लिए आपने प्रेस करना होता है कंट्रोल। आप इसके ऊपर जाओगे, माउस कर्सर रखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक। तो आप पहले कंट्रोल दबाओगे। जैसे ही आप कंट्रोल दबाते हो आपका हैंड का साइन आ जाता है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पर यस करना है। जो भी आपकी फाइल है वो ओपन हो जाएगी। सेकंड, जो दूसरा शेप पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे शेप सेलेक्ट करती हूँ हमारी एरो की, मैंने सेलेक्ट किया। फॉर्मेट पे जाकर मैं इसमें कलर कर देती हूँ। कलर करने के बाद इसी पर आकर हमें माउस का सेकंड बटन प्रेस करना है। यहाँ पर नीचे आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करोगे जिस भी आपने फाइल का इससे लिंक कनेक्ट करना है और ओके प्रेस कर दोगे। सेम प्रोसेस रहेगी, कंट्रोल आप दबाओगे और क्लिक करोगे, यस करोगे, तो किसी भी शेप से आप अपनी जो आपने फाइल का लिंक जोड़ा है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। थर्ड तरीका है आपका पैराग्राफ टाइप किया मैंने यहाँ पे। जैसे आप देखेंगे आपकी कोई फाइल्स वगैरह होती हैं नेट पे, उस पर आपका पैराग्राफ होता है और नीचे मेंशन होता है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर। तो जैसे ये क्लिक हेयर मैंने किया है, मैं इस क्लिक हेयर को सिलेक्ट करती हूँ। क्लिक हेयर ये होगा कि मैं हम इस पर क्लिक करेंगे और जो हमारी फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्लिक हेयर सिलेक्ट किया है। हम जाएंगे इंसर्ट पर। क्लिक हेयर के बाद हम जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट के बाद हम जाएंगे हाइपरलिंक पर। हम सेलेक्ट करेंगे फाइल, ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे जो आपका ये क्लिक हेयर है इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें मैंने लिंक कनेक्ट किया है। अब मैं कंट्रोल करके अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर शेप पे आपको लगा के दिखाया है, आप पिक्चर पर भी लगा सकते हैं, आप स्मार्ट आर्ट पर भी लगा सकते हैं और आप चार्ट पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।